नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजधानी में होने वाले भूजल मैपिंग, बोरिंग की सुविधा पाने और गंगा जल को नल के द्वारा हर घर पहुंचाने की योजना के बारे में। आने वाले 40 वर्ष को ध्यान में रखकर राज्य के 13 से भी अधिक जिलों में भूजल की मैपिंग की जाएगी। इसमें उन ब्लॉकों को ही चिन्हित किया जाना है जिन जिलों में पिछले कुछ वर्षों से भूजल में गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि तकनीकी सर्वे करने के लिए इन जिलों में अधिकारियों की टीम मौजूद होगी। इन अधिकारियों के अलावा IIT पटना और IIT कानपुर के छात्रों की भी मदद ली जाएगी। जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित सभी विभागों के माध्यम से भूजल को बढ़ाने का काम जिलों में किया जाएगा। यह तब होगा जब IIT पटना और कानपुर के छात्र द्वारा रिपोर्ट दे दी जाएगी और फिर राज्य में सरकार इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी। मिली जानकारी के अनुसार सर्वे का काम मार्च महीने से शुरू होकर मई माह तक चलेगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा सर्वे के दौरान निजी, सरकारी तथा कृषि बोरिंग की गिनती की जाएगी ताकि इसके द्वारा हुई पानी की खपत और पानी की उपलब्धता की रिपोर्ट को तैयार किया जा सके। साथ ही साथ इस बात की भी रिपोर्टिंग की जाएगी कि बोरिंग के पानी का उपयोग करने में किस तरह की कार्रवाई की जाती है। बता दें कि मुखिया को ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्र में नगर निगम को इस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही साथ यदि निजी बोरिंग है तो उसके लिए NOC लेना होगा और इसकी जिम्मेदारी सभी DM को सौंपी जाएगी ताकि वे संबंध में निगरानी रख सकें। चलिए अब अपने इस चर्चा के बीच हम आपको बताते चलते हैं कि वे कौन से जिले हैं जहां भूजल मैपिंग की शुरुआत होगी। इन जिलों में दरभंगा, गया, जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, नवादा, बांका, मुंगेर, भागलपुर और लखीसराय शामिल हैं जहां वाटर मैपिंग की जानी है। अन्य जिलों में भी मैपिंग का काम शुरू किया जाएगा जब इन जिलों की रिपोर्ट तैयार कर लिए जाएंगे। अधिकारी गांव के लोगों से सर्वे के दौरान मिलेंगे, साथ ही साथ लोगों से मिलने के दौरान उनके यहाँ पानी का स्रोत क्या है इसकी भी जानकारी लेंगे और इसका एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। इन जिलों में भूजल के स्तर को दुरुस्त करने का काम रिपोर्ट के आधार पर किया जाना है। इन सभी चीज़ों के लिए अधिकारियों की टीम जल्द ही तैयार की जाएगी। बता दें कि बिहार राज्य में सरकार द्वारा भूजल को बचाने और इसकी बर्बादी को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कई इलाकों में हर घर में नल के द्वारा गंगा जल पहुँचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसे में जिन इलाकों में भूजल में हर साल गिरावट आती है वहाँ वाटर सरप्लस टू वाटर डेफिसिट के जरिए पानी को पहुँचाया जा सके। नवादा और गया सहित दूसरे जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर गंगा जल को पहुँचाने का काम तेजी गति से चल रहा है। वहीं बोधगया, राजगीर और भी अन्य 5 जिलों में लोगों को गंगा जल पीने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नवादा शहर में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दी गई है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।